अब हम करेंगे सम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर एरर। तो जो लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर किया था वो क्या था वो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था फॉर्मूला अपने पास थी z इज इक्वल टू a इंटू बी। तो हम z को क्या लिखते थे डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हमारी फॉर्मूला थी। ठीक है, अब अगर दो की जगह समझो तीन क्वांटिटी हो a इंटू बी इंटू सी, तीन क्वांटिटी हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको। z को लिखेंगे डेल्टा z बाय z, a को लिखेंगे डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b और प्लस डेल्टा c, मतलब जितने भी मल्टीप्लाई में हो सब इसमें ऐड कर देते हैं। उसके अलावा अगर समझो तुम्हें दिया हो z इज इक्वल टू a का स्क्वायर, एक ऐसी क्वांटिटी जो z क्या है a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a, तो z क्या बन जाएगा डेल्टा z बाय z, a क्या होगा डेल्टा a बाय a प्लस दूसरा a भी क्या होगा डेल्टा a बाय a। तो अगर दो डेल्टा ए बाय ए है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू टू टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। तो अगर ध्यान से देखो तो पहले अपने पास था जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, और जेड का हो गया डेल्टा जेड बाय जेड, ए का हो गया डेल्टा ए बाय ए, सॉरी नीचे ए आएगा एक सेकेंड ए बाय ए। और यहां पे जो स्क्वायर था टू वो नीचे आ गया, मतलब तुम्हें याद कैसे रखना है अगर बाय चांस समझो z इज इक्वल टू a क्यूब हो, z इज इक्वल टू a क्यूब हो तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे z को लिखेंगे डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे थ्री डेल्टा a बाय a, मतलब जो पावर है वो सीधा कहां लगाएंगे आगे लगाएंगे और a को लिखेंगे डेल्टा a बाय a। गॉट इट, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब समझो नो सर, अगर दिया हो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी का क्यूब तो हम z को क्या लिखेंगे डेल्टा z बाय z, a स्क्वायर को क्या लिखेंगे टू डेल्टा a बाय a और b को क्यूब को क्या लिखेंगे थ्री डेल्टा b बाय b। z को डेल्टा z बाय z, a स्क्वायर क्या लिखेंगे टू डेल्टा a बाय a और b क्यूब को क्या लिखेंगे थ्री डेल्टा b बाय b। क्लियर है, मतलब पावर जो है वो कहाँ जाएगा आगे चलेगा। अगर समझो बात यू z इज इक्वल टू a b का इनवर्स, तो z को तो लिखेंगे डेल्टा z बाय z, a को लिखेंगे डेल्टा a बाय a, b के ऊपर कितना पावर है माइनस पावर तो लिखेंगे डेल्टा b बाय b। लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन में ये चीज पढ़ी थी एरर कभी भी माइनस नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ पे भले माइनस वन पावर था लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, आएगा तो प्लस, मतलब अगर पावर माइनस भी हो तो भी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी प्लस आएगी। मतलब अगर तुम्हें लिखा हो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस टू तो z को क्या लिखेंगे डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू टू डेल्टा a बाय a, यहाँ भले माइनस टू है लेकिन यहाँ लिखेंगे प्लस टू डेल्टा b बाय b। मतलब अगर पावर माइनस है तो भी तुम्हें प्लस ही लगाना है माइनस नहीं लगाना। क्लियर। इसके बाद अगर जैसे तुम्हें दिया हो z इज इक्वल टू a अपॉन b, तो a अपॉन b इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी इनवर्स, क्योंकि b नीचे ऊपर लाएंगे तो माइनस वन। तो हमने ए बी इनवर्स का तो देख लिया यहाँ पे,
मतलब जेड को क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड, ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए। फिर मैंने बताया था माइनस हो तो भी प्लस लगाना, डेल्टा बी बाय बी। इसका मतलब जो रूल मल्टीप्लाई पे अप्लाई होता है, जो भी रूल किस पे अप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई पे अप्लाई होता है, वही रूल डिवाइड में भी अप्लाई होता है। मतलब दोनों के जो रूल्स हैं वो सेम। मतलब अगर तुम्हें क्वांटिटी दी हो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी रेस टू 4, तो हम कैसे लिखेंगे, z को लिखेंगे डेल्टा z बाय z, इसको लिखेंगे 2 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 4 डेल्टा d बाय d। जितना पावर है सब आगे आ जाएगा। जैसे समझो तुम्हें दिया है z इज इक्वल टू रूट ए, तो सबको पता होना चाहिए रूट जो होता है उसका मतलब होता है a रेस टू 1 बाय 2 पावर। तो z बन जाएगा डेल्टा z बाय z, 1 बाय 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा a बाय। तो ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स। हां बेटा बोलो सर, ये क्या है? कौन सा बेटा? सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मतलब इसके आगे लेक्चर हुआ था? हाँ बेटा हुआ था।